हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जो वैकेंसी आई है उसका आवेदन कल से होने वाला है। और दोस्तों, जनवरी में जो आवेदन किए हुए थे अभ्यर्थी वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और जनवरी का जो आवेदन है उसका रिजल्ट कब आएगा इसकी भी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवेदन कल से पहली बार अभ्यर्थियों के लिए बनेगा हेल्प डेस्क। सिपाही के 49,568 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो रही है। पहली बार अभ्यर्थियों की दिक्कतों के निराकरण के लिए हेल्प डेस्क की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए बोर्ड की वेबसाइट पर एक क्लिक अपलोड की गई है। वहीं जिस अभ्यर्थियों ने जनवरी में सिपाही भर्ती के लिए आवेदन किया था उन्हें भी इस भर्ती आवेदन का मौका दिया गया है। कल से शुरू हो रही भर्ती प्रक्रिया के लिए इस बार सिर्फ 20 दिनों का समय दिया गया है, जबकि जनवरी में निकली 41,520 पदों की भर्ती के लिए 30 दिन का समय दिया गया था। आवेदन प्रक्रिया में हुए विलम्ब से अभ्यर्थियों को कम समय दिया जा रहा है। बोर्ड का तर्क है कि उसे समय में परीक्षा भी करानी है। यानी दोस्तों, जो समय पहले परीक्षा की दी गई थी उसी समय में परीक्षा कराने के लिए ही 20 दिनों पर्याप्त समय दिया गया है। भर्ती बोर्ड के अधिकारियों ने मुताबिक इस बार करीब 30 लाख अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। दोस्तों, इस बार जो है यूपी पुलिस में 30 लाख अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। बोर्ड ने एक अधिकारी ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने जनवरी में सिपाही भर्ती के लिए आवेदन किया था वह इस भर्ती के लिए में आवेदन कर सकते हैं। यानी दोस्तों, अगर आप जनवरी में भी फॉर्म फिलअप किए थे इस फॉर्म को भी फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि पिछली भर्ती प्रक्रिया अभी चल रही है और इसका परिणाम जो है 15 दिसंबर तक घोषित होने की संभावना है। यानी दोस्तों, जनवरी में जो यूपी पुलिस का फॉर्म फिलअप हुआ था और उसका लिखित परीक्षा लिया गया था उसका जो परिणाम है वो 15 दिसंबर को घोषित करने की संभावना बताई गई है। ऐसे में जो अभ्यर्थी जनवरी में निकली भर्ती प्रक्रिया में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उनके पास एक और मौका और हो जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी ने दोनों परीक्षाओं में आवेदन कर दिया है और पहली भर्ती में ही उनका चयन हो गया है तो दूसरी भर्ती प्रक्रिया में खुद को अलग कर सकता है। हालांकि दूसरी भर्ती के लिए जमा की गई फीस वापस नहीं होगी। वहीं अक्टूबर में निकली भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन 8 दिसंबर तक ही लिए जाएंगे। बता दें कि सिविल पुलिस में 31,360 व PAC में 18,208 भर्तियों के लिए विज्ञापन निकाला था और सोमवार से उनके लिए आवेदन मांगे हैं। इस बार महिला और पुरुष नागरिक पुलिस के लिए अलग से विज्ञापन नहीं जारी किए गए हैं। इसके लिए पूर्व में ही नियमावली में संशोधन हो गया है। तो दोस्तों, यह थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। और दोस्तों, जो जनवरी में फॉर्म फिलअप हुआ था यूपी पुलिस का उसका जो है रिजल्ट जो है आप लोगों को 15 दिसंबर तक आ जाएगी। और जो पुराने जनवरी में जो फॉर्म फिलअप किए थे वो भी स्टूडेंट जो हैं हेल्प डेस्क की सहायता से फिर से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। और इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वॉचिंग।